आखिर क्यों भगवान श्री राम ने ही तोड़ दिया था राम सेतु? दोस्तों, इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानें। जब भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तब श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस लंका तक पहुंचने के लिए उन्होंने बानरों के मदद से सेतु का निर्माण करवाया था, लेकिन राम सेतु के एक हिस्से को स्वयं ही तोड़ दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अंत करने के बाद भगवान श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आता है। रावण के मृत्यु के बाद विभीषण ही लंका पर राज करते हैं और विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त भी थे, इसलिए श्री राम विभीषण से मिलने के लिए लंका जाने के लिए विचार कर रहे थे। इसी बीच भरत जी भी वहां आ जाते हैं और तभी वे श्री राम के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दोनों भाई लक्ष्मण को अयोध्या के कमान सौंप कर पुष्प विमान पर सवार होकर लंका के लिए निकल पड़ते हैं। जब श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी आती है। दोनों थोड़ी देर वहां ठहरते हैं, सुग्रीव और अन्य बानरों से मिलते हैं। तब सुग्रीव को पता चला कि भगवान श्री राम और भरत जी विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ विभीषण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही विभीषण को पता चला कि भगवान श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में पूरे नगर को सजा देते हैं। विभीषण ने भगवान श्री राम, भरत और सुग्रीव के स्वागत के लिए खुद आगे आते हैं और वे श्री राम, भरत और सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये आज तक कई लोगों को नहीं पता है कि जिस राम सेतु को खुद भगवान श्री राम ने ही बनाया था, वे खुद ही उसे क्यों बाद में तोड़ देते हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी पद पुराण में मिलती है। जब भगवान श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर में राज करना। इस पर विभीषण कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ देते हैं। वे सेतु के तीन टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ देते हैं। इस तरह भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या हल करने के लिए राम सेतु तोड़ा था। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।